हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल पंत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कल्चर में। तो दोस्तों चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सिसौण, सिसौण तो सभी ने सुना ही होगा दोस्तों, जैसे कि सिसौण कुमाऊँ में इसे सिसौण बिच्छू घास के नाम से जाना जाता है। बिच्छू घास को जाना जाता है सिसौण के नाम से। तो दोस्तों इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे हम सिसौण को स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है, इसका उपयोग हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर हमारे पहाड़ों में बिच्छू घास का उपयोग लोग बुखार आने में, शरीर में कमजोरी हो जाती है, जैसे कभी थकान पटान हो जाती है, जैसे बीमारी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी तक दोस्तों जिन गाँव में पुराने ज़माने के लोग हैं ना दोस्तों, वही लोग इसको अभी तक यूज कर रहे हैं, वही अपना रहे हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें सब कुछ पता है। वो पुरानी पीढ़ी के लोग इसे सब कुछ अपनाते हैं, तो पुरानी पीढ़ी के लोगों को करते हैं। और दोस्तों इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और इसे एक दवाई के रूप में भी जाना जाता है। किसी के पैर में अगर दोस्तों को भी मोच आ जाती है ऐसी, तो हम क्या करते थे, पुराने जो दादी अम्मा होती थी वो लोग क्या करते थे, शहद का लेप और बिच्छू घास लगा देते थे पैर में। 2-3 दिन में इसकी इसके वो भी फायदे भी होने शुरू हो जाते थे, पैर सही हो जाता था। तो दोस्तों और इसके बाद सिसौन के और सारे बहुत सारे हमारे वो हैं, बहुत सारे उपयोग हैं सिसौन के। और इसका दूसरा उपयोग ये हुआ कि जब कोई बच्चे बचपन में शैतानी करते थे, तो अक्सर उनके दादा दादी उन्हें बिच्छू घास लगा दिया करते थे, जिससे उन्हें बुखार भी नहीं आता था और कहना भी मान लेते थे, और अगली बार के लिए उनका सबक भी हो गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिच्छू घास के बारे में तो इतनी जानकारी बहुत है, अगर आपके पास इससे ज़्यादा जानकारी है तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो दोस्तों हम दूसरी औषधि की बात करते हैं, मिंट। मिंट एक अपने बहुत ही गुणकारी औषधि है और ये खुद ही प्रकृति की देन है दोस्तों, खुद ही उग जाती है। और जिन भाई बहनों को उल्टियाँ होती हैं, जिन महिलाओं को उल्टियाँ होती है, बस में जाने में दिक्कत होती है, तो आप इसको चबा सकते हैं। और इसके बाद दादी माँ के नुस्खे के साथ दोस्तों अभी वीडियो समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।